तो पिछला वीडियो जो हमने आपके लिए रिलीज किया था, जहां पे हमने डिस्कस किया था एक ऐसा रिवीजन प्लान जो कि आप आखिरी दिनों में फॉलो करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कई सारे ऐसे कमेंट्स देखे जहां पे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हमने कोई खास तैयारी यहाँ पे करी ही नहीं है, तो आखिरी के ये जो बचे हुए दिन है उसमें किसी तरीके से कम एक डिसेंट स्कोर तक हम पहुंच जाए, इसके लिए जो हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही चीज देखने वाले हैं कि ऐसी क्या चेकलिस्ट है जिसके थ्रू आप जो है कम से कम एक ऐसा डिसेंट स्कोर ला सकते हो कि एटलीस्ट आपका कट ऑफ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स इस टाइम पे उठाए जिनका दूसरे चैप्टर से थोड़ा कम रिलेशन रहेगा और उनको आप जो है जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि जनवरी अटेम्प्ट में हमने देखा था कि इन सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन उतने ज्यादा टफ भी नहीं थे और आप कम से कम इजिली यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। दूसरी चीज है कि ये जो अगर आप जो है टारगेट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अटेंड कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप जो है एटलीस्ट यहाँ पे कट ऑफ क्लियर कर जाओगे जो कि जेई एडवांस के लिए रिक्वायरमेंट रहती है। एंड तीसरी चीज जो कि मैं कहना चाहूंगा कि देखिए अगर आप जो है कट ऑफ क्लियर कर भी लेते फिर भी आपके पास उतने शायद अच्छे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज यही रहेगी कि आप अच्छे बैकअप के साथ जो है तैयार रहो। अब जैसे यहाँ पे काफी सारी एग्जाम्स हो जाती है, बिट सेट हो गई, VIT ट्रिपल ई हो गई, तो इन सबके भी फॉर्म्स आपको जो है जरूर से भर देना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है सभी एग्जाम्स की लास्ट डेट बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जैसे अगर हम जो है यहाँ पे बिट सेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी जो है 9 अप्रैल है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जरूर से भर दीजिएगा क्योंकि इसके थ्रू आपको बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। और अगर आप जो है बिट सेट के लिए अपने स्कोर को बूस्ट करना चाहते तो रिसेंटली हमने आपके लिए जो है यहाँ पे शिखर बैच को जो है लॉन्च किया था जिसकी कोर्स डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके जो है इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप VIT EEE के भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो आज ही जो है उसकी लास्ट डेट है, शायद फॉर्म में थोड़ा सा एक्सटेंशन हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा था तो जल्द से जल्द जो है इसकी भी एग्जाम का फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके लिए भी जो है हमारा VIT EEE पैकेज आपके लिए जो है अवेलेबल है। अब जो भी इसके लिए भी टाइम वैसे ज्यादा नहीं बचा है, 21 दिन के आसपास है, लेकिन इसमें जरूरी यह रहता है कि हम जो है जल्द से जल्द चीजों को रिवाइज कर पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर ले, साथ ही साथ जो है मॉक टेस्ट दे दे, तो वो सब जो है आपको इस पैकेज में देखने को मिल जाएगा जो कि है आपका सेवियर बैच। तो इसकी भी जो डिटेल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब देखो अगर हम जो है यहाँ पे समझे कि इस प्लान के लिए जो है दो कैटेगरी में हमने स्टूडेंट्स को बांट दिया है, एक जो है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं बचा है, तो आपको यहाँ पे ट्राई यही करना है कि जितना मैक्सिमम हो सके उतना ज्यादा चीजें जो है इस वीडियो में जो आपको बताई जा रही है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना, ये चीज आपको करनी है। एंड 8 और 9 वालों से तो भाई मैं यही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो आप कंप्लीट करके चले जाओ, आपका जो है एक बढ़िया स्कोर यहाँ पे बन सकता है। और साथ ही साथ भाई मॉक टेस्ट देने के लिए भी आपके पास अभी जो है टाइम है, तो कम से कम 2-3 भी अगर मॉक टेस्ट दे दोगे तो वो आपको जो है और थोड़ा सा मार्क्स बूस्ट करने में यहाँ पे हेल्प कर देगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम जो है फिजिक्स में बात करें कि आपको किन चैप्टर्स में यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, तो ये चीज है कि सबसे पहले तो भाई यूनिट्स एंड डायमेंशन उठा लो, बहुत ही बेसिक और इजी सा चैप्टर है, एक हाथ क्वेश्चन जो है हम एग्जाम में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा EM वेव्स काफी ज्यादा छोटा चैप्टर है, मतलब अगर जो है आप करने जाओगे तो शायद आधे एक घंटे के अंदर ही जो है फटाफट उस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर सकते हो, तो इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है, मोस्ट ऑफ द चीजें इसके अंदर थ्योरिटिकल दी है। और जो है मॉडर्न फिजिक्स की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो इसमें भी ज्यादातर चीजें थ्योरिटिकल है, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको जो है टाइम एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन 3 क्वेश्चन भी जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनमें से अगर कोई चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो जरूर से उठा लीजिएगा क्योंकि काफी ज्यादा ये इजी रहेंगे अगर हम कंपेयर करें दूसरे चैप्टर से, क्योंकि इस टाइम पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाता है तो भाई बहुत ज्यादा टाइम जो है यहाँ पे लग जाएगा, तो उससे अच्छा जो है इन टॉपिक्स पे आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे 2 क्वेश्चन हमें जो है लगातार शिफ्ट्स में देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी जो है बाकी चैप्टर से थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज पे पूछ लिया या फिर रेजिस्टेंस रिलेटेड पूछ लिया जो कि प्राइमरी क्लासेस में भी करते आते हो, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जिसके किरचॉफ के लॉस आपको पता होने चाहिए, तो बोर्ड में भी अभी पढ़ के जा रहे हो तो इसके कम से कम भाई 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो अच्छे से करके जा सकते। ग्रेविटेशन जिसके अंदर जो है भाई आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे ही जा रहे हैं और इसके अंदर जो है बेसिकली आपको फॉर्मुलेस पे यहाँ पे वर्क करना है। अगर हम बात करें जो एक रिपीटेड टॉपिक आपको देखने को मिलता है कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है ग्रेविटी को अफेक्ट करते हैं, तो उन पे जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लो, केप्लर्स लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इन सब चीजों पर वर्क कर लीजिए। एंड लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये चीज पहले तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गैसीय स्टेट के अंदर पढ़ते ही थे, अब जो है आप इसके अंदर देखें तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, तो इसको भी जो है अगर अच्छे से तैयार कर ले तो एक हाथ क्वेश्चन जो है हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो ये सभी जो है इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर रहेंगे लास्ट टाइम के लिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो, और इसको जो है सीधा सीधा किसी वन शॉट से जो है अच्छे तरीके से निपटा लो और जो है बस PYQs आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो 2023 एंड 2024 के लिए, तो ये चीज जो है आपको फिजिक्स में कम से कम एक डिसेंट स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकती है।
एंड इसके साथ जो है आप कुछ यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स भी कर लो। मैं चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन चैप्टर्स में से ऐसे टॉपिक जिनसे बार बार क्वेश्चन हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर में भाई लॉजिक गेट वाला पोर्शन है, उसको अगर आप यहाँ पे अच्छे से देख लेते हो तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में वहीं से क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे फंसता हुआ देखने को मिल जाए। एंड यहाँ पे जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, तो वेव ऑप्टिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 40-50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि भाई इससे पूछ लिया जाए, इसलिए इसको भी अच्छे से कर लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, उसको आप कर सकते हैं। एंड बाकी यंग्स मॉड्यूलस पे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे लगातार रिपीट होते हुए देखने को मिले, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस और आपका यंग्स मॉड्यूलस है, इसको आप अच्छे से कर लो। ये चीज आपने कर ली। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जो है आपको इन सभी चैप्टर्स पे यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जीओसी बहुत ही ज्यादा भाई आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हम बात करें, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बात करें, काफी क्वेश्चन जीओसी से पूछे गए, तो इस टाइम भी जो है पूछे जा सकते हैं। पूरी ऑर्गेनिक नहीं करके जा रहे हो, अगर सिर्फ नॉमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म और जीओसी वाले पार्ट को भी कर लेते हो तो भाई तीन क्वेश्चन तो मिनिमम मान के चलो, हो सकता है ये 5-6 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाए। तो आपको कम से कम अगर थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कम से कम 3 तो क्वेश्चन कर ही लोगे अटेम्प्ट। इसलिए इस पोर्शन पे लास्ट में अगर आप वर्क करते हो वो आपके लिए यहाँ पे वर्थ इट रहेगा। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाई बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स से भी जो है आपका यहाँ पे एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स को भी जो है आराम से कर सकते हो। ऑर्गेनिक में मतलब यही एक चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज की जरूरत नहीं रहती, थियोरिटिकल पार्ट ज्यादा है। फिर आपका जो है पीरियोडिसिटी की अगर हम बात कर ले तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, और वेटेज अभी जो है रिसेंटली काफी बढ़ गया क्योंकि इनऑर्गेनिक के काफी चैप्टर्स रिड्यूस हो गए, तो इसमें भी जो है रटने वाली चीजें ज्यादा है, तो 1-2 क्वेश्चन जो है आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। डी एंड एफ ब्लॉक पे जो है फोकस कर सकते हो, 2 क्वेश्चन यहाँ पे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिले। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये जो है फॉर्मुला बेस्ड ज्यादा है, अरेनियस थ्योरी से बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे, तो इसको जो है आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, 1 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और रिडॉक्स रिएक्शन जो कि काफी छोटा चैप्टर है, और एक आध क्वेश्चन यहाँ भी जो है देखने को मिल सकता है, तो इसको आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे, एनसीईआरटी को जो है एक बार अच्छे से उठा के देख सकते हो, या फिर वन शॉट के थ्रू इसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड बाकी जो है आपको पीवाईक्यूस इतने अगर लगा लोगे तो आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे, तो इन पे जो है लास्ट टाइम पे आपको यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। रिपीटेड टॉपिक्स की बात कर ले तो भाई यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से काफी इस टॉपिक से जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो गिब्स फ्री एनर्जी की भाई जितनी भी इक्वेशंस आप जो है पढ़ते हो, जैसे कि ये हो गई कॉमन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर ये वाली आपकी जो है इक्वेशन हो गई, या फिर यहाँ पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पे इक्वेशंस हो जाती है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डी ब्रॉगली रिलेशन, ये वैसे जो है आप यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हो और इसमें भी आपका रिपीट हो रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो इसको जो है अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। हो सकता है आपके शिफ्ट के अंदर 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 1 जो है फिजिक्स में भी दिख जाएगा और 1 पता चला केमिस्ट्री में, ये कई बार जो है आपके साथ होता है। एंड इसके अलावा जो है सॉल्यूशंस में भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगभग आपको अगर फॉर्मुलेस का नॉलेज है और थोड़ा बहुत भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज है तो भाई ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर के साथ इनको भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ही आपको ज्यादा ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई वहीं से जितना वेटेज आप निकाल सकते हो वो आपके लिए यहाँ पे बेटर रहेगा। एंड मैथ्स में अगर बात करें तो भाई कुछ इजी से टॉपिक्स बस पकड़ लेना जिन पे आप लास्ट में फोकस कर सकते हो। सेट्स एंड रिलेशंस हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया। एक जो है ये चीज है कि भाई इंडिविजुअल चैप्टर्स है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो यहाँ पे इजी से क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। वेक्टर्स एंड 3D से जो है कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो भाई इनके कम से कम फॉर्मुलेस अच्छे से देख लो, क्योंकि ऐसे पढ़ने जाओगे तो काफी टाइम यहाँ पे लग सकता है, और हमें फिजिक्स केमिस्ट्री में वैसे भी जो है इस पोर्शन पे अगर ध्यान देना है तो उसके लिए हमें मैथ्स में थोड़ा कम टाइम ही जो है डेडिकेट करना पड़ेगा। तो इसमें भी जो है आप वेक्टर 3D में ये ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, कई बार ये रिपीट हो रहा है टॉपिक, तो इसको ध्यान से करके चले जाना। एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की अगर प्रॉपर्टीज पता है तो भी जो है इनके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। कोई भी जो एक अच्छा सा वन शॉट यहाँ पे उठा सकते हैं, प्लस यहाँ पे जो है पीवाईक्यूस आप सॉल्व कर सकते हैं 2023 एंड 2024 के। तो मैथ्स में जो है इसी टॉपिक्स पे आपको फोकस कर लेना चाहिए। एंड बाकी अगर हम जो है रिपीटेड टॉपिक्स की बात करें जो कि कई ज्यादा पूछे जा रहे, तो भाई मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले, तो अच्छे से जो है एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज देख लिए, थोड़े बहुत भी पीवाईक्यूज देख लिए, आपका यहाँ पे काम बन सकता है। फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये तो भाई सबसे ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है, मतलब मैं यहीं पे अगर आपको बोल दूं कि +4 आपको सीधा सीधा मिल रहा है तो कोई मैं गलत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी भी अटेम्प्ट में उठा के देख लो भाई आप पेपर डिटरमिनेंट्स का यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही गए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर किंग्स प्रॉपर्टी भाई, ये भी रिसेंट ईयर में जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इंटीग्रेशन पूरा भी छोड़ते हो और उसमें अगर 1-2 जो है ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी समझ लेते हो
तो शायद बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाए और आपको जो है किंग्स प्रॉपर्टी के दम पे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको देख लिया। फिर रिलेशन बिटवीन जो है आपका यहाँ पे रूट्स ऑफ कोफिशिएंट जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखते हो, तो ये तो यार प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, अगर इजी सा क्वेश्चन मिल गया तो इसको भी जो है सॉल्व कर पाओगे। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सभी जो है आपके काफी ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स यहाँ पे जो है देखने को मिल सकते हैं। इतनी चीजें आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो है आसपास आप यहाँ पे पहुंच सकते हो जो स्कोर यहाँ पे आप डिजायर कर रहे हो। एंड यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिए कि आपको जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। तो ऐसे कई क्वेश्चन है जो कि भाई स्मार्ट तरीके से सॉल्व करोगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 1 फरवरी को, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो इक्वेशन भाई बहुत बड़ा सा है, स्टूडेंट जो है घबरा जाएंगे, समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं हो। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ठीक है, तो देखो अगर कोई जो है एक स्मार्ट स्टूडेंट रहता वो यहाँ पे दिमाग लगाता 10a = ये चीज देके रखी है। एक काम करो ना, इसमें x = 1 जो है मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1/√3 हो गया, यानी a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, a की वैल्यू यहाँ से 30° मिल गई। सिमिलरली b में जो है x = 1 डाल दो, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/√3 हो गया, यानी b की भी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 30° आ गई। अब c में चेक करें तो x = 1 डाल दो, 1+1+1 ये कितना हो गया आपका यहाँ पे 3, तो ये आपका जो है रूट लेना था √3 हो गया, यानी कि सी की वैल्यू कितनी हो गई 60°। तो आप जो है यहाँ पे अगर a+b की वैल्यू चेक करो तो वो कितनी आ रही है 60° आ रही है। 60° आ रही है, वो किसके इक्वल रहेगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है सी के इक्वल रहेगा, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितने इजीली सॉल्व कर लिया, इसमें क्या भाई नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज्यादा नहीं थी, ये चीजें तो बेसिक आप जो है क्लास 10th में भी पढ़ते हो, तो इसके दम पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ऐसे कई क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी देखने को मिले और भी उससे पहले जो है पूछे गए, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आप जो है स्मार्टली भी सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे हमने आपके लिए जो है प्लेलिस्ट भी क्रिएट करके रखी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो जरूर से उसको चेक कर लीजिएगा, आपको जो है समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में किस तरीके से दिमाग लगाना होता है। और बाकी अगर आप एक सेशन चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें कौन सी ट्रिक्स इस तरीके से लग सकती थी, तो जरूर से एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द वो वीडियो आपके लिए रिलीज कर दे। बाकी प्लेलिस्ट से तो आपको यहाँ पे जरूर से फायदा हो गई। और भी जो है एक आपके लिए मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की हमने प्लेलिस्ट तैयार करी है, उसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कई टॉपिक्स है जो कि बार बार आपके शिफ्ट्स में पूछे जाते हैं, तो वो सभी वीडियोस आपके लिए यहाँ पे कंपाइल कर दिए गए, इनको आप जो है जरूर से चेक कर सकते हैं। डिलीटेड वालों को मत चेक करिएगा क्योंकि वो सिलेबस से हट चुके, लेकिन बाकी सारे जो है टॉपिक्स आप यहाँ पे जरूर से कंप्लीट कर सकते हैं, इससे भी आपको जो है मार्क्स में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो बस अब जो है लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, देखिए आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब आप जो है ये 3 दिन भी इसी हालत में जो है छोड़ दो कि नहीं यार अब हमने कुछ ढंग से पढ़ा नहीं है तो इनको भी जाने देते, अपने जो है लास्ट दम तक एफर्ट्स मारो। हो सकता है आपने जितना भी पढ़ा है बोर्ड्स का जो भी नॉलेज है उसके बेसिस पे कुछ अच्छा ही कर जाओ, और इन टॉपिक्स पे अगर जो है फोकस कर लिया तो डेफिनेटली आपको जो है मार्क्स में एक बूस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। अब जो है कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर से मेंशन करिएगा कि आपकी शिफ्ट कौन सी है और आपका जो है यहाँ पे टारगेट स्कोर आप क्या लेते हुए चल रहे हो, तो ये चीज जो है मैं हर स्टूडेंट से चाहूंगा कि वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करे। बाकी देखिए पेपर जो है आप अच्छा ही करेंगे, हमारी तरफ से भी जो है बेस्ट विशेस आपके लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।